हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू पॉल गेमिंग चैनल। तो गाइस सर, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पॉल एम्पायर में। तो गाइस यार, लास्ट एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक बहुत ही मस्त प्यारा सा गनपाउडर फार्म बनाया था, जो कि लिटरली बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। बट एक चीज़ ख़राब हो गई थी कि मैंने जितना भी वीडियो रिकॉर्ड करा था गनपाउडर फार्म बनाने का, वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, किस्मत में यही था। बट आज हम लोग एक मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो वो दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले अपना कैमरा एंगल को चेंज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से अभी मिलता हूँ। तो गाइस यार, आप लोग एक बार ये देखो ज़रा, मैंने तीन तीन चिकन फार्म बना चुके हैं। अब वो क्यों, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस यार, मैंने इतना बड़ा एकदम किंगडम टाइप बना लिया है, इतना सारा बिल्डिंग कर लिया, बट मैं अभी वही वो मैनुअली अपने खेत को हार्वेस्ट करके खाना बनाऊंगा अपने लिए। नहीं यार, मुझे अभी ऑटोमेटिक खाना चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना एक खुद का KFC। हम लोग एक खुद का KFC खोलने जा रहे हैं। तो उसके लिए फ़िलहाल को मुझे लाइक इन चिकन्स का एक फार्म बनाना पड़ेगा। एंड आप लोग टेंशन मत करो, ये कोई भी चिकन मरने नहीं वाला है यहाँ पे। कोई भी, जितने भी चिकन्स हैं, कोई नहीं मरने वाला है। हर फार्म में मैंने 10-10 चिकन्स भर के रखे हैं। अभी बहुत छोटे एरिया है, तो इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई समझ में नहीं आ रहा है यार। बट जो भी हो यार, हर में 10-10 करके चिकन्स है। एंड अभी मैं इनका एक फार्म बनाने वाला हूँ। तो मैं कौन सी जगह पर बनाने वाला हूँ वो भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो मैं आप लोग से डायरेक्ट वहीं पर मिलता हूँ। तो गाइस यार, अपना जो KFC मैं बनाने वाला हूँ, उसको मैं इस जगह पे बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ। यहाँ से अपना बाँध थोड़ा थोड़ा दिखता है, एंड ट्रेडर और को ऐसे टेढ़ा करके देखने पे दिखता है। तो यब उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा ऐसे एरिया को घास भूस से क्लियर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा एक डिस्पेंसर, दो हॉपर, एक स्लैब, एक रेडस्टोन रिपीटर, एक रेडस्टोन कंपैरेटर, एक ग्लास और कुछ रेडस्टोन के डस्ट। रेडस्टोन टॉर्च एक्चुअली नहीं चाहिए हम लोग को, मैं पता नहीं क्यों कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। एंड कुछ ब्लॉक्स की भी अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ओके, मैं बेड लाना भूल गया यार, शिट। फड़ाव से इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चल के मैं सोता हूँ, एंड फिर मैं आप लोगों से दोबारा यहीं पर मिलता हूँ। मैं अपने साथ पूरा बेड वेड लेकर आज पाऊँ खड़ा होते यही पे बेड को लगा देते हैं। एंड अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लेते हैं। ओके, अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। तो अभी फटाफट से अपने सारे सामान निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक हॉपर, डिस्पेंसर और स्लैब की। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं इन्हीं को। तो देर के बाद की फटाफट से अपने काम को शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस यार, मैं अपना काम शुरू करने ही वाला था, बट अभी मुझे याद आया कि मुझे उसके लिए दो चेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं फटाफट से दो चेस्ट लेके आता हूँ, एंड फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस यार, मैं अभी चेस्ट भी लेकर आ चुका। तो फटाफट से अभी अपने काम को शुरू करते हैं। गाइस सर, ये देखो अपना जो फार्म है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एंड ये देखो यहाँ पे ढेर सारे एग्स है, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ रखे हैं, एंड ऊपर से भी कुछ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब बेबी चिकन स्पॉन हो रहे हैं। एंड जैसे ये लोग बड़े होंगे, उनका सर मतलब कि लावा पे लगेगा, एंड ये लोग डायरेक्ट चलेंगे। इनका जो कुक्ड चिकन आने वाला है, फिर नीचे जो गिरेगा वो डायरेक्ट हॉपर के होते हुए इस चेस्ट पे आने वाला है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल को थोड़ा सा वेट करने वाले हैं इन चिकन्स में से कोई एक चिकन के बड़े होने का, क्योंकि फ़िलहाल को तो कोई भी बड़ा नहीं हुआ है अब तक का। रिसेंटली ये लगाया है मैंने, तो एक बार ही इंतज़ार करते हैं एक कोई भी चिकन के बड़े होने का, एंड फिर देखते हैं कि
क्या हम लोग को कुक्ड चिकन मिलता है अभी या नहीं। ओके तो गाइस यार अपना ये चिकन फार्म बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे जो चिकन्स आप लोगों को दिख रहे होंगे ये सब अभी छोटे छोटे हैं, तो इसलिए जल नहीं रहे। जैसे ये लोग बड़े हो जाएंगे तभी उनका जो सिर है वो लावा में जाके भिड़ता है एंड ये लोग डायरेक्टली मर जाते हैं। एंड अभी ये सब काम भी किया, मैं थोड़ी देर तक का AFK था, पता नहीं कितने देर तक का था, बहुत टाइम तक का था, कम से कम 1.5-2 घंटे तो हो ही चुके होंगे। मैं एक्चुअली थोड़े बहुत काम पे चला गया था, थोड़ा बिजी हो गया था, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लाइक कितना ज़्यादा चिकन देता है मुझे। ये देखो आप लोग एक बार ही, मैं 1.5-2 घंटे तक का ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चिकन्स दे चुका है, 64+55 मतलब ऑलमोस्ट 2 स्टैक चिकन्स दे चुका है, एंड फेदर्स तो है ही ढेर सारे। तो अब ये है इस चिकन का एफिशिएंसी, बहुत ही स्पीड में काम कर रहा है ये फार्म। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, तो या मैं आप लोगों से डायरेक्ट अपने लाइक अपना जो पोर्टल वगैरह है वहीं पे मिलता हूँ, क्योंकि अभी मेरा मेन बेस एक टाइप से वही हो चुका है। घर पे तो मैं रहता नहीं हूँ ठीक से, इसीलिए वही मेरा एक टाइप से मेन बेस बन चुका है। फटाफट से बेड उठाता हूँ एंड मैं आप लोगों से डायरेक्ट, ये देखो ये क्या लैग हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट अपने बेस में मिलता हूँ। ओके तो मैं आ चुका हूँ अभी अपने डॉग्स के पास, यही एक टाइप से मेरा मेन बेस बन चुका है। एंड या ओके ये एक चिकन क्या कर रहा है, तेरे भाई लोग वहाँ पे मर रहे हैं। ओके तो अभी या आज का यही था अपना KFC फार्म। अभी हम लोगों को खाने की तो कोई टेंशन होने नहीं वाली है। मैं अगले एपिसोड में यहाँ पे और भी लाइक क्या बोलते हैं इसको, एक बिल्डिंग टाइप कुछ बना दूंगा जहाँ पे अंदर में एकदम रेस्टोरेंट जैसी फील देने वाला हो, ताकि एकदम देखने में लगे कि ये KFC है, असली KFC। तो या आज के इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, बहुत काम हो गया आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।